स्टार्टर बनाने के लिए मैंने एक प्लेट के अंदर हाफ कप चीज ले ली है। मैं उसके अंदर थोड़ा सा पिरी पिरी स्पाइस मिक्स डालने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पिरी पिरी मसाला के लिए मैंने ये ब्रांड का मसाला लिया हुआ है। मैं 1 टेबल स्पून पिरी पिरी मसाला डालूंगी, 1 टीस्पून ड्राइड सेलरी लीव्स। मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स, हमें इसमें सॉल्ट डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सॉल्ट है वो ऑलरेडी चीज़ में होता है और पिरी पिरी मसाला जो है वो भी सॉल्टी होता है, तो हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डालना है इसमें। सारी सामग्री को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून मेयो डालने वाली हूँ। मेयो डालने के बाद मैं सारी सामग्री को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लूंगी। सारी सामग्री मिक्स हो चुकी है और हमारा जो स्टार्टर का मिश्रण है वो बनकर तैयार है। अब मैं आपको आगे की तैयारियां दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर पनीर ले लिया है और मैंने पनीर को इस प्रकार से काट लिया है। देखिए, मैंने इसके 2 हिस्से काटे हैं, सारे मैंने बिल्कुल इक्वली काटे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं हमारा तैयार किया हुआ मिश्रण इस पर प्लेस कर दूंगी इस तरीके से, और उसे मैं अच्छी तरीके से पूरे पनीर के पीस पर स्प्रेड कर लूंगी। हमें मिश्रण को थोड़ी अच्छे क्वांटिटी में लेना है, जिससे कि जो पनीर है जब हम स्टार्टर बनाएं तो बहुत बढ़िया और टेस्टी स्वाद आए इसका। इस प्रकार से मैं इसे स्प्रेड कर लूंगी और जो पनीर का दूसरा हिस्सा है वो मैं इस पर प्लेस कर लूंगी। इस प्रकार से हम इसका एक सैंडविच जैसा बना लेंगे। बिल्कुल यही मेथड से मैं सारे पीसेस को रेडी कर लूंगी। पनीर के सारे पीसेस बनकर तैयार है। अब मैं आपको आगे की तैयारी दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैगी का जो हॉट एंड स्वीट टमाटो चिल्ली केचप है मैंने वो लिया हुआ है। मैं उसे एक प्लेट के अंदर खाली कर देती हूँ। अब जो तैयार किया हुआ पनीर का पीस है मैं उसे इसके अंदर अच्छी तरीके से कोट कर लूंगी। देखिए, इस प्रकार से हमें पनीर के पीस को केचप के अंदर कोट करना है। केचप में अच्छी तरीके से कोट होने के बाद मैं इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर थोड़े से मोटे वाले जो ब्रेड क्रम्स है वो लिए हुए हैं। मैं बढ़िया तरीके से हमारा पनीर का जो पीस है उसे इसमें कोट कर लूंगी। ये देखिए, हमारा पनीर का पीस बढ़िया तरीके से केचप और ब्रेड क्रम्स दोनों में कोट होकर तैयार है। बिल्कुल यही तरीके से मैं सारे पनीर के टुकड़ों को कोट कर लूंगी। सारे पनीर के टुकड़े बढ़िया तरीके से कोट होकर तैयार है। अब मैं आपको आगे की तैयारी दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर की स्लरी और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब हमें पनीर को ब्रेड क्रम्स में और भी कोट करना है, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तब जो मिश्रण है वो ऊज आउट ना हो। हमारे तैयार किए हुए स्टार्टर के जो पीसेस है मैं उसे पहले स्लरी में डुबाऊंगी और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करूंगी। हमें ये प्रोसेस 2 बार रिपीट करने हैं। हर एक पीस को हम 2 बार ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे।
देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो स्टार्टर का टुकड़ा है वो तैयार है। हम बाकी सारे स्टार्टर के पीसेस को बिल्कुल यही प्रोसेस से कोट कर लेंगे और तैयार करेंगे। हमारे सारे स्टार्टर के पीसेस बनकर तैयार है। अब हम इसे तल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे स्टार्टर के पीसेस बनकर तैयार हैं। मैंने उनको तल दिया है। अब मैं आपको इसमें से एक पीस कट करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पीस कट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फिलिंग दिख रहा है, अमेजिंग लग रहा है ये। अब मैं इसे सर्व कर लूंगी। मैंने यहाँ पर एक स्टार्टर की प्लेट ले ली है। मैं सारे स्टार्टर्स को उसमें अच्छे से प्लेस कर लूंगी और मैं थोड़ा सा टमाटो चिली केचप इस पे ड्रिजल कर दूंगी और थोड़ी सी चीज स्प्रिंकल कर दूंगी। हमारा टेस्टी, यम्मी एंड वेरी डिलिशियस लजीज पनीर स्टार्टर बनकर तैयार है।